जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि सभी शानदार जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस होमगार्ड की वैकेंसी के बारे में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री के द्वारा जो है फिर से एक अनाउंसमेंट किया गया है। 42,000 पदों पे वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन ये दो चरण में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में जो है संपूर्ण डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं कि होमगार्ड की नौकरी कैसी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी आपको क्या देखने को मिलती है, ड्यूटी क्या रहता है, सैलरी क्या रहता है, और मुख्यतः इसका फायदा नुकसान क्या है, किसको जो है इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हर चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा, एक एक आदमी के पास शेयर करिए। और कहीं ना कहीं 2011 में वैकेंसी आई थी और फिर उसके बाद से कहीं ना कहीं 2024 में चर्चा हो रही है, और 2024 के लास्ट तक ये वैकेंसी हो सकता है, पॉसिबल है कि इसका जो है फर्स्ट चरण रिलीज किया जाए। ठीक है, तो क्या कैसे है एक एक चीज समझते हैं, फिर आप डिसाइड कर पाइएगा कि आपके लिए ये नौकरी है कि नहीं। थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत सारी जानकारी लेके जाओगे आप। देखिए, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस पे हम गौर करें तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में जो है आपको एग्जाम होता है, फॉर्म भरिएगा, फॉर्म के बाद एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद डीवी और पीएसटी। ठीक है, उसके बाद होता है फिजिकल, फिजिकल के बाद होगा आपका जो है मेडिकल, और मेडिकल के बाद जो है मेरिट बनती है। ठीक, इस तरह से जो है चीजें आपको देखने को मिलती है, एग्जाम, डीवी, फिजिकल, मेडिकल और मेरिट। अब देखिए, बहुत सारे चीजें पहले क्या होता था कि पहले पहले फिजिकल हो जाता था फिर एग्जाम होता था, लेकिन इस बार जो है पैटर्न बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि 15 से 20 लाख से कम फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, इसलिए जो है सिलेक्शन प्रोसेस इस कदर देखने को मिलेगा। ठीक, अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें अच्छी खासी आज की डेट में बढ़ रही है, 25 से 27 के तक आपकी सैलरी इजिली बन जाती है। ड्यूटी के हिसाब से आपको सैलरी देखने को मिलता है, और ऐसे भी एक महीना में लगभग आपको 25, 26, 27 इस तरह से ड्यूटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि जब मैं ड्यूटी वाली सेक्शन में बताऊंगा कि कहां कहां ये लोग ड्यूटी करते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, अब चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम लोग विचार करते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन फ्रेश लोगों से 12th लिया जाएगा, पहले 10th लिया जाता था, लेकिन अब फ्रेश लोगों से 12th लिया जाएगा। बाकी जो एक्स आर्मी मैन है, जो एक्स आर्मी मैन कैडर के हैं, उनको जो है 10th पे भी उनका काम चल जाएगा। एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल तक रहता है जनरल के लिए, और अदर के लिए तो 50 साल तक होता है। तो इसमें एज बहुत ज्यादा रहता है, एज को लेकर टेंशन नहीं लेना है, बस मिनिमम एज देखना है। हाइट की बात करें तो हाइट जो है एज इट इज यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल वाली ही रहती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी अंतर देखने को मिलती है। जैसे कि हाइट रहता है आपका 1.67 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का। ठीक है, और इसमें जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों का इतना रहता है, और एससी एसटी का हाइट जो है थोड़ी सी कम कर दी जाती है, 162, ये 67 है, 162.6 सेंटीमीटर, ये मेल का हो गया। ठीक, अगर वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल की हाइट जो है 152 ली जाती है, और भी छूट मिलता है हिल्स एरिया वगैरह करके, जो है तमाम तरह की चीजें रहती है उसमें जो है आपको छूट देखने को मिलता है। तो हाइट थोड़ी सी यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल 168 लिया जाता है, इसमें 167 लिया जाता है, वो 168 है यार, थोड़ी सी कम है और क्या। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस में जो फिजिकल आता है, अगर इसके बारे में बात करें तो यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल का जो फिजिकल क्राइटेरिया है वही आपसे मांगा जाता है, मतलब कि 4.8 किलोमीटर की रनिंग कराई जाती है 25 मिनट में मेल को, और फीमेल को 2.4 किलोमीटर की रनिंग 14 मिनट में। तो ये आपको फिजिकल क्राइटेरिया देखने को मिलता है, फिजिकल में बस यही रहता है, इसके सिवा कुछ नहीं, फिजिकल में रनिंग करो पास हो जाओगे। ठीक, और सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग समझ ही गए, ये आपको देखने को मिलता है। मेडिकल भी आपको जो है बहुत नॉर्मल होता है, और फाइनल मेड जो है आपका सारा जो है आपके एग्जाम पे देखने को मिलता है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहा, और नोटिफिकेशन आने के बाद और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे है, लेकिन आपको इसी तरह से चीजें देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग समझ गए। अब चलिए थोड़ा सा ड्यूटी के बारे में बात करते हैं, फायदे नुकसान के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। ठीक है, पहले ड्यूटी के बारे में समझ लीजिए। देखिए, ड्यूटी इन लोगों की क्या है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है, तो इसमें बताया गया है कि आपदा प्रबंधन में वगैरह वगैरह जगह पे जो है इन लोगों को लगाया जाएगा। आपको भी पता है, ये सारी चीजें वो बताए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ी सी अंदाजा लग रहा हो कि ड्यूटी ये लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं आपको व्यवहारिक तौर पर बताता हूं कि आज की डेट में होमगार्ड की ड्यूटी क्या है। भाई साहब, जहां भी जिस भी स्थान पर आप देखते हो,
पुलिस को हर स्थान पे होमगार्ड रहता है, चाहे थाना हो, चौकी हो, रोड चौराहा हो, ट्रैफिक हो, वीआईपी ड्यूटी हो, बैंक में आपको जो है गार्ड की ड्यूटी हो, या कहीं पे गार्ड की ड्यूटी है, आपको इलेक्शन ड्यूटी हो, हर जगह जो है होमगार्ड आपको देखने को मिलते हैं। और मुख्यमंत्री के द्वारा जो है आपको बताया भी गया है कि आपदा मित्र को प्रशिक्षण, योगी ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के माध्यम से तैनात आपदा मित्र के रूप में हमारे पास पहले से ही दक्ष मैन पावर है, हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए। आपदा मित्र का प्रशिक्षण करवाकर उन्हें होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में सेवा देने का अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसे कि होमगार्ड की ड्यूटी मतलब आपदा प्रबंधन, जो डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर होते हैं या जो इंटेंशनली डिजास्टर किया जाता है, वहां भी तैनाती करने के बारे में बात किया जा रहा। ठीक, तो मतलब कि हर जगह जो है होमगार्ड की ड्यूटी आपको देखने को मिलती है, जितनी ड्यूटीज आपके दिमाग में देखने को मिल रही है हर जगह में। पोस्टिंग की बात करें भाई साहब, थोड़ी सी पोस्टिंग भी लगे जान लीजिए, तो आपकी पोस्टिंग आपके अपने शहर में भी हो जाती है, मतलब बिल्कुल होती है, आपके अपने शहर में पोस्टिंग होती है। आप 8 घंटे के शिफ्ट करिए और उसके बाद आप घर जाइए, आपका गणना गिनती से कोई मतलब नहीं है। आपकी कहीं भी ड्यूटी लग गई 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की जितनी ड्यूटी आप करिए, घर जाइए, आपका ज्यादा जवाबदेही नहीं रहता है, क्योंकि आप एज ए असिस्टेंट के तौर पे काम करते हो, मतलब आप किसी के अंडर में काम करते हो। ठीक, तो मोटा मोटी आप लोग अंदाजा लगाइए लिए होंगे कि ड्यूटी क्या है। हाँ, पावर पूरा फील होगा आपको भी, ऐसा बात नहीं है, पुलिस के साथ आपको रहना है भाई, आप भी पुलिस को वर्दी पहनते हो, बस यूपी होमगार्ड लिखा रहता है, UPHG लिखा रहता है, ठीक, और कुछ नहीं, बाकी सारा काम आपको करना है, सब कुछ करना है, चालान नहीं काटोगे, किसी का FIR नहीं लिखोगे, लेकिन जांच पड़ताल में तो आप भी रहोगे। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको ड्यूटी में देखने को मिलता है। तो ड्यूटी आप लोग समझ गए, हर जगह ड्यूटी है भाई साहब। अब इसके फायदे नुकसान के बारे में जो है थोड़ी सी आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहले फायदे बताऊं तो देखिए, यदि आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो 10% के लिए आरक्षण आपको मिल जाता है यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल में। जो यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आती है, जैसे कि अभी 60,000 वैकेंसी आई है, 60,244, तो 62% माने 6200 जो है सीट आपका ये होमगार्डों के लिए होगा, मतलब जो होमगार्ड से है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, 6200 सीट पे ये लड़ेंगे। तो इस तरह से जो भी वैकेंसी आएगी यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की, उसमें 10% आपका आरक्षण मिल गया भाई। और इसमें कट ऑफ आपका जानते हो कितना बनता है, मात्र 40 नंबर 50 नंबर जी, 40-50 नंबर, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, इस तरह से आप सही कर देते हो, 60 नंबर 70 नंबर, इस तरह से जो है आपकी मेरिट बन जाती है। तो काफी ज्यादा आपके पास एक मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कि यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल में कभी भी वैकेंसी आती है तो आपको ये मौका मिल जाता है। ठीक, इसके अलावा एज में काफी ज्यादा छूट मिलती है, जैसे कि 18 से 22 आपका एज मांगा जाता है यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए, लेकिन होमगार्ड में सेलेक्ट हो जाते हो तो उसकी क्राइटेरिया अलग हो जाती है, उसमें 7 साल 8 साल की आपको छूट देखने को मिलता है, मतलब कि 18 से 30 साल तक इस तरह से चीजें देखने को मिलती है। तो ये एक फायदा है। दूसरी चीज, अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हो तो आपको एक नौकरी मिल जाएगी, और उसके बाद इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है, एक कॉन्स्टेबल जितना कमाता है उतना ये लोग भी लगभग, इनको भी सैलरी आराम से मिल जाती है। ठीक, और बहुत सारे जरिया भी खुल जाते हैं, जो कि यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल में कभी भी भर्ती आती है तो आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। और उसके साथ एक और फायदा रूपी है कि अगर आप होमगार्ड में बनते हो तो आपकी अपने जिला जनपद में पोस्टिंग हो जाएगी, आप चाहो तो घर से ड्यूटी कर सकते हो। तो ये सारी इसकी फायदा है। अब नुकसान के बारे में थोड़ी सी बात करें, जो कि कोई नुकसान ये नहीं है, बस सोच के ऊपर है, लेकिन नुकसान कोई नहीं है। देखिए, अगर आपके पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, आप अच्छी खासी तैयारी करते हो, आपको जो है बिल्कुल इस नौकरी पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे कि आपके पास मतलब पढ़ाई लिखाई बढ़िया है, डिग्री भी बढ़िया है, तो आपको होमगार्ड में ना ध्यान देते हुए आप भले कॉन्स्टेबल की तैयारी करिए, या आप दरोगा की तैयारी करिए, या बहुत सारे क्लर्कियल वैकेंसी आ रही है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारा अनाउंसमेंट हो रहा, उसकी तैयारी करिए। क्योंकि एक बार नौकरी में आ जाने के बाद भाई साहब ना, बहुत सारे आपके थिंकिंग में बदलाव आ जाता है। हो सकता है कि आपका नौकरी से विश्वास उठ जाए कि हमको अब जिंदगी में कभी नौकरी ही नहीं करना है, मुझे खुद का बिजनेस करना है। क्योंकि छोटी नौकरी हो या बड़ी नौकरी है, जो नौकरी का एक अपना प्रोन कॉन्स होता है वो तो आपको पता चल जाता है। लिमिटेड सैलरी मिलेगी, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जिंदगी भी रिजर्व हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा जो है सैलरी भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं, आप लोग देख रहे हो सैलरी भी कम ही है। अगर
सैलरी के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो यदि आप नए नए लड़के हो, 18-20 साल के लड़के हो और होमगार्ड बन जाते हो, तो कहीं ना कहीं काफी कम आपको सैलरी मिलेगा और अपॉर्चुनिटी भी आपके पास बहुत सारी है, क्योंकि अभी तो अभी नए नए अभी आप यंग हुए हो, 20 साल के हो, तो अब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है ना। तो यही आपको छोटी बड़ी नुकसान है, लेकिन मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि जो भी नौकरी की तैयारी कर रहा, सारा लोग इस फॉर्म को भरे, सभी लोग एक बार चांस लगाए, अगर हो जाती है तो अच्छी बात, नहीं होती है तब भी कोई मसला नहीं है। और ऐसे भी इसमें आपको एग्जाम, डीबी, फिजिकल सब कुछ देखने को मिलेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका आसान भी नहीं है। एज इट इज यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल का जो सिलेबस है उसी तरह का क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी क्वेश्चन की क्वालिटी लो होगी ना, मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आप लोग समझ गए हो। फर्स्ट चरण में 21,000, फिर उसके बाद 21,000, इस तरह से वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, साथ साथ इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए और वहां से भी आप कोई भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ सकते हो। और टेलीग्राम को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि टेलीग्राम को जब तक सब्सक्राइब नहीं करिएगा आप डेली अपडेट नहीं हो पाइएगा कि क्या कैसे चल रहा है। ठीक।